45 ऐसी शक्तियां जो एक भवन के भीतर उस वक्त बन जाती हैं जिस वक्त आप एक भवन का चुनाव करते हो। यह परिकल्पना ही गलत है कि एक भवन के भीतर 45 एनर्जी फील्ड तब बनती हैं जिस वक्त उस भवन का निर्माण हो, क्योंकि वो 45 एनर्जी फील्ड्स क्या हैं? आपके मनस का विस्तार, और आपके ही मनस ने यह चुना कि मुझे अपना घर ऐसा चाहिए। तो 45 शक्तियां एक भवन के भीतर जो बन जाती हैं, जिसको हम देवीय और असुरीय शक्तियां कहते हैं, ये 45 डिफरेंट माइंडसेट्स हैं। इन माइंडसेट्स के अंदर कुछ को कैटेगराइज किया गया देवताओं की श्रेणी के अंदर, कुछ को कैटेगराइज किया गया असुरों की श्रेणी के अंदर। यानी कि कुछ ऐसी ऊर्जाएं जो कि देवीय हैं, कुछ ऐसी ऊर्जाएं जो कि असुरीय हैं, पर ये है तो एक मनस के भीतर ही। यानी कि एक माइंड के भीतर 45 ऐसे थॉट पैटर्न्स जिससे जीवन जो है वो चल रहा है। एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जहां पर आकर के स्टकअप होता है, उस पर्टिकुलर बिंदु को पकड़ना, ये है वास्तु पुरुष को जानना। क्योंकि वास्तु पुरुष में जो 45 एनर्जी फील्ड है, इसको जन्म देता है ब्रह्मा। ब्रह्मा के जन्म देने के बाद जो 44 एनर्जी फील्ड्स बनती हैं, इन 44 एनर्जी फील्ड्स का समावेश यानी कि 360 डिग्री का निर्माण जो है वो हो जाता है, जिसको आप श्री चक्र में देखते हैं। एक दिशा का गुणधर्म कैसे बनता है? जब उस दिशा के गुणधर्मों को आप बारीकी से देखेंगे तो एक एक एनर्जी फील्ड जो उस दिशा के अंदर फॉल कर रही है वो उस दिशा के गुणधर्मों को जन्म देती है। पर कौन सा हिस्सा एक भवन के अंदर किस एनर्जी फील्ड को गवर्न कर रहा है, उस पर्टिकुलर एनर्जी फील्ड को एड्रेस कर देना, ये वास्तु गुरु की जर्नी में आपने सीखा। अब वास्तु गुरु की जर्नी के अंदर आप लोगों का पार्ट कौन सा हो गया कि एक थॉट पैटर्न्स जो कि 45 थॉट पैटर्न में से एक है, उन 45 थॉट पैटर्न में से कौन सा एक थॉट पैटर्न जो है वो व्यक्ति को डिस्टर्ब कर रहा है, उस 45 थॉट पैटर्न में से कौन सा एक थॉट पैटर्न है जिसको आपको एक्टिवेट करना है या उसके एनर्जीज को एक्सप्रेस करना है। क्योंकि जो एनर्जी फील्ड्स बनती हैं वो एनर्जी फील्ड्स कैसी हैं? एक भवन के अंदर जब ब्रह्मा जी के आसपास बनी हुई चार एनर्जी फील्ड, जिसको हम बुधर, आयरमा, विवस्वन और मित्र के रूप में देखते हैं, इनके आसपास बनती हुई एनर्जी फील्ड्स हैं जो कि विस्तार हैं। जैसे कि एक एनर्जी फील्ड जिसको हम क्या कहते हैं, महिंद्रा। महिंद्रा क्या करता है? एक व्यक्ति को विजयी होने के भाव देता है। यानी कि कोई भी थॉट जो ब्रह्मा से आता है कि चलो मैं अपने जीवन के अंदर ये करता हूं तो मैं उस काम पर विजय प्राप्त कर लूंगा, ये थॉट कौन देता है? महिंद्रा। अब इस थॉट को महिंद्रा ने जब आगे मैनिफेस्ट किया कि हां मैं इस काम पर विजय हो जाऊंगा, तो सूर्य क्या करता है? सूर्य उसके अंदर वो क्रेविंग पैदा करता है, इसको करने के बाद मेरी जगत में ख्याति कैसी होगी, या इसको करने के बाद जगत में लोग मुझे जानना शुरू करेंगे, यानी कि मेरी ब्रांड वैल्यू बन जाएगी। ये सब एक क्या है? एक ऐसी माला जो कितने मनकों की है? 45 मनकों की है। तो हर एक मन का दूसरे मन के से जुड़ा हुआ है। एक भवन के भीतर जब पर्टिकुलर एक स्पेस के अंदर इंबैलेंस आता है तो वो ना केवल एक डिवीजन के अंदर इंबैलेंस है, उस डिवीजन के भीतर जो एनर्जी फील्ड्स बनती हैं उसमें से किसी एक पर इंबैलेंस आता है। क्योंकि जब आप नॉर्थ की ओर अगर ध्यान देंगे तो पहली एनर्जी फील्ड जो नॉर्थ को जन्म देती है वो कौन सी है? ब्रह्मा की। दूसरी कौन सी है? बुधर की। तीसरी कौन सी है? सोमा की। चौथी कौन सी है? भल्लाटा की। और पांचवी कौन सी है? पुजागा की। तो ये पांच एनर्जी फील्ड्स मिलकर के जब नॉर्थ को जन्म दे रही है, नॉर्थ में किस एनर्जी फील्ड पर आपको वर्क करना है, ये वास्तु गुरु की यात्रा रही। तो आप पर्टिकुलर एक ही देव को पकड़कर या एक ही असुरीय पार्ट को पकड़ करके किस पर वर्क कर रहे हैं? अल्टीमेटली एक व्यक्ति के 45 थॉट पैटर्न्स पर वर्क कर रहे हैं। तो जैसे ही इन थॉट पैटर्न्स पर वर्क करते हैं वो करेक्शंस खुद ब खुद घटित होती है। जैसे ही वो मनस्थल पर करेक्शंस हो गई,
ऐसे ही व्यक्ति के विचारों के अंदर परिवर्तन आ गया और व्यक्ति उस जगह जहां अटका हुआ था वहां से वो निकल गया। और जैसे ही निकलता है तो अपने लिए वो खुद ब खुद ही अबंडेंस क्रिएट कर लेता है। तो ये है 45 एनर्जी फील्ड्स, जिसको ना केवल हम एक दृष्टिकोण ऐसे देखते हैं कि ये भवन के भीतर फैल रही है, नहीं, ये हर एक मनस के अंदर फैलती है, ये हर एक देह यानी हर एक बॉडी के अंदर फैलती है। क्योंकि हर वो एनर्जी फील्ड जो एक भवन के अंदर है, वही एनर्जी फील्ड एक व्यक्तित्व के अंदर भी होती है, एक व्यक्ति के अंदर भी होती है। तो बस इनका कॉम्बिनेशन जान लेना, इस पर निदान दे देना, ये वो यात्रा है।